जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में एलओसी पर शहीद हुए गनर भूपेंद्र चौहान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र वंदे मातरम शहीद भूपेंद्र अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। प्रशासनिक अधिकारियों सहित जन प्रतिनिधि एवं सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने लाडले को श्रद्धांजलि दी। वहीं 7 महीने के बेटे पुनीत ने शहीद पिता को हाथ जोड़कर नमन किया। साथ ही पत्नी और पिता ने भी शहीद को सलूट करके अंतिम विदाई दी। बता दें कि शहीद भूपेंद्र चौहान शनिवार अल सुबह बारामूला के हरदोई क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आज आर्मी द्वारा उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से गांव बास में लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान से उनकी अंत्येष्टि की गई। शहीद के छोटे भाई दीपक ने शहीद जवान को नम आंखों से मुखाग्नि दी। मेरे भाई भूपेंद्र देश के लिए शहीद हुए हैं। उनकी तैनाती बारामूला के नागांव पोस्ट में थी और सामने पाकिस्तान की साइड से उनकी फायरिंग हुई और वो देश के लिए शहीद हो गए। मेरे भाई देश के लिए शहीद हुए हैं। भाई पे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकता, मुझे इतना गर्व है। मेरा भाई आज आसमान में एक तारे की तरह चमक रहा है। देश के लिए उसने आज एक छाप छोड़ दी। मेरे गांव में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इतना फ़ख्र है कि मेरा भाई ने आज गांव का, हमारा पूरे परिवार का, समाज का, पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ करीब 1 साल से और मैं आर्मी में अब तो ज़रूर जाऊंगा और आर्मी के लिए मैं तत्पर हूं। मैं आर्मी में जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई का सेंटर नासिक है तो वहीं से ज्वाइनिंग हो मेरी, वहीं से मैं कार्यरत हूं और मैं जल्दी आर्मी ज्वाइन करूं। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं मेरे भाई की शहादत का बदला लूँगा। गनर भूपेंद्र सिंह 327 मीडियम रेजिमेंट में 2015 से पोस्टेड है। 5 सितंबर 2020 को इनकी तैनाती नौगांव सेक्टर में एक ओपी पोजीशन पे थी। सीएफई के दौरान ओपी पोजीशन को मैन करते हुए दुश्मन का गोला इनकी पोस्ट के अंदर घुसा और इन्होंने पोस्ट पे रहते हुए लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। 327 मीडियम रेजिमेंट को, 19 डिव, 19 ब्रिगेड और 15 कोर को और समूचे भारतीय आर्मी को गनर भूपेंद्र पर नाज है और फक्र है। ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसके कि तीनों साइड से एनिमी की पोस्ट है, जहां पर पाकिस्तानी फौजी भी हमला करते हैं और आतंकवादियों की घुसपैठ का भी कई सारा रास्ता है। तो ऐसे रास्ते के लिए, उनको रोकने के लिए ये पोस्ट पर तैनात थे और उनको रोकते हुए और सीएफई के दौरान दुश्मन का गोला आकर पोस्ट के अंदर घुसा और पोस्ट के साथ साथ गनर भूपेंद्र शहीद हुए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी और संपूर्ण डिफेंस लाइन गनर भूपेंद्र की शहादत का बदला लेगा और इसका परिणाम आप सभी को बहुत जल्दी मिलेगा। हमारे लिए आज बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया, भूपेंद्र। मैं तो सरकार की तरफ से, PMP साहब बैठे हैं, इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि उनकी याद में यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनवाना चाहिए और भाई उसका भाई BSc है या उसकी वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम ये कह रहे हैं कि 50 लाख का तो हमारा प्रोविज़न है, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने हमारे एरिया का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये शहीद भूपेंद्र सिंह जी ने ऐसे वक्त पर, खासकर J&K के अंदर, जब न केवल पाकिस्तान या दूसरी तरफ चाइना जिस प्रकार से हमारे सामने खड़े हैं और ऐसे हालात में इस देश का ऊंचा नाम किया है शहीद भूपेंद्र, और उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सही मायने में अगर कोई सच्चा सिपाही है तो वो देश का, फौज का सिपाही है और उसके माँ बाप भी हैं जो खेती करते हैं, क्योंकि देश का एक किसान ऐसा वर्ग है जो देश का पेट भरता है। किसान ही पैदा करता है फौज के अंदर सिपाही के तौर पर जो देश की रक्षा कर सके। तो इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मान सम्मान हम शहीदों को कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सर्विस के तौर पर भी हो, वो दोनों बातों के लिए भारत सरकार ने अपने रास्ते खोल रखे हैं और प्रदेश सरकार भी, क्योंकि यहाँ मिली जुली सरकार है BJP और जजपा की,
तो हम प्रदेश की सरकार को भी कहेंगे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इनके नाम पर जहाँ शहीद स्मारक की बात हो, कोई स्टेडियम की बात हो, कोई दूसरी संस्थाओं की बात हो, तो हम मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि हमारे लिए ये गर्व की बात है, इस गांव और इलाके के लिए उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए।